अफसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया उपसभापति महोदय। कहाँ से शुरू करूँ, सर जमीने हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। अब काफिले काफिले में भेद। माननीय उपसभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, पैरा 35 इन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स एड्रेस, आई एम प्लेसिंग अ बुक द लास्ट फेज बाय प्यारे लाल जी। इट शुड बी पुट ऑन द टेबल एंड रेफरेंस शुड बी मेड। आई बिलीव ऑनरेबल प्रेसिडेंट शैल डिलीट दैट पैराग्राफ कॉल 35 बिकॉज इट मिसकोट्स गांधी, इट मिसरिप्रेजेंट्स गांधी। एंड द डे व्हेन दिस बिल वॉज बींग डिबेटेड इन द पार्लियामेंट, वी हैड सेड दैट नॉट ओनली इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अनगांधियन, इट इज अननेहरूवियन, इट इज अनअंबेडकराइट, इट इज इमोरल। इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैड द मेजोरिटी एंड यू डिड इट। बट यू नो सर, 11 दिसंबर की शाम में जब यह बिल यहां से पारित हुआ, जब यह बिल यहां से पारित हुआ सर, हम तो मायूस होकर चले गए थे कि हम इस संविधान को, इस पर हुए हमले को, इसकी प्रस्तावना को स्याह करने की कोशिश को बचा नहीं पाए। लेकिन सर, सड़कें रोशन हो गई, सड़कों ने जिंदा कर दिया। सर मैं कह रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इस तरह का स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं देखा। कहने वाले तो यह कहते हैं कि हमने यह आंदोलन पैदा किया। सर अगर हमारी इतनी औकात होती ना तो हम उधर बैठे होते, इधर नहीं होते। सर नहीं, यह पहली बार हुआ है। हमने सुना था मजाज का था, तेरे माथे पे यह आंचल बहुत खूब है लेकिन तुम इस आंचल से एक परचम बना लेते तो अच्छा था। सर शाहीन बाग ने आंचल का परचम बनाया और इस परचम को हम में से हर व्यक्ति को सलाम करना चाहिए। सर राजनीतिक विरोध अपनी जगह, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हम में से किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि पूरे देश में ऐसा स्वतः स्फूर्त आंदोलन कर दे। हमें अपनी कमियां पता है, कमजोरियां पता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंडेट मिला था सर। लेकिन मैं कई दफा यह कह चुका हूं, अ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट इज नॉट अ लाइसेंस फॉर मेजोरिटेरियन पार्लियामेंट। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दैट एंड व्हिचएवर नेशंस हैव फॉरगॉटन दैट, दे हैव बीन फॉरगॉटन बाय द हिस्ट्री सर, दे हैव बीन फॉरगॉटन बाय द हिस्ट्री सर। कितनी चीजें हैं सर, सारी अफसोस की बातें यह है कि ये सारे मसले और फैसले बापू की 150वीं जयंती वर्ष पे हो रहा है सर। मैं अभी हाल में मैंने खत लिखा बापू को, एक प्लेटफॉर्म पे छपा, मैंने कहा बड़ी मुश्किल होती है बापू, करें क्या, किससे कहें, आपस में भी बहुत बढ़िया संवाद नहीं है और विवाद देश में इतना गहराता जा रहा है, किससे कहें, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे सर। इसी देश में महाभारत का ग्रंथ है, 5 गांव के मसले पर महाभारत हो गया सर, 5 गांव नहीं मिला महाभारत हो गया। आप कह रहे हैं एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, आप कहते हैं संसद से पारित कानून है। सर मैं तो 8 बरस का था, सुनता हूं इमरजेंसी भी संसद से ही पारित हुई थी, वापस हुआ कि नहीं। ऐसे फैसले जिससे संविधान के साथ फासला बढ़ता है, वो फैसले वापस होने होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं सर। और धमकी की जुबान हम लोग बोल ही नहीं सकते सर। ये कमाल इस मुल्क में हो रहा है कि धमकी की जुबान दिन रात बोली जा रही है। मैं अगर मन की माफी से आगे कुछ किया गया होता तब चुनाव के पहले, तो आज गांधी ड्रामेबाज नहीं होते सर। क्या क्या दिखना रह गया हम लोगों को इस मुल्क में, पहले नेहरू पे आक्रमण, अब गांधी पे आक्रमण, फिर अंबेडकर पर आक्रमण, फिर संविधान पर आक्रमण, और आखिर में वी द पीपल पर आक्रमण। मैं बैठे पीछे से नहीं, पीछे से टिप्पणी नहीं, बैठकर टिप्पणी ना करें प्लीज, बैठकर टिप्पणी ना। आग का क्या है, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। चेयर को संबोधित करें आप, जी की बात है। सर मैं वही कह रहा था कि ये जो धमकी की जुबान आ रही है, आज जीरो आवर में भी मैंने एक नोटिस दिया था सर, ये जो जुबान बोली जा रही है, अब चुनाव है, चुनाव जीत लीजिए हार लीजिए, सर जब देश ही हार जाओगे तो चुनाव क्या क्या करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा सर। एक चुनाव के लिए हमने क्या क्या कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं सर कि अब हर दिन 30 जनवरी सा लग रहा है, हर दिन बापू का कत्ल हो रहा है और हम विप्लव जी बाहर बैठ करके बेबसी का सुर सुना रहे थे एक दूसरे को। ये है हकीकत आज की, और ये हकीकत आज अगर हमें परेशान कर रही है, कल आपको भी परेशान करेगी, क्योंकि इकोसिस्टम खराब हो रहा है हमारे मुल्क का।
हमारे मुल्क का जो स्वाभाविक चरित्र था वो खत्म हो रहा है, और अगर उसकी हमने पुनर्वापसी नहीं की सर, मैं माफी के साथ कहता हूं सर, पड़ोस में एक मुल्क था, मुल्क में एक प्रवृत्ति आई थी, वो बहुत दूर का नहीं लगेगा, तालिबान पराया नहीं लगेगा सर। और अगर नॉर्मलिसी कश्मीर में पूछनी हो, हमारे LOP हैं, हमारे कई बड़े बड़े नेता नजरबंद हैं, फिर भी लोग शमशान में विवाह का गीत गा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसी तनहा चिनार से जाके पूछ लीजिए कश्मीर में, ए चिनार नॉर्मल कैसा लग रहा है, चिनार बता देगा। हम लोगों से मत संवाद करिए, पेड़ पौधों से ही करिए। सर, टाइम एंड अगेन वी आर टोल्ड दैट द पार्लियामेंट हैज फंक्शन रैपिडली एंड देयर इज लॉट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर आई हैव सेड इट अर्लियर, पासिंग द नंबर ऑफ बिल्स एंड सेइंग दैट दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्लियामेंट, नो सर। सर इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, he said the primary function of parliament is deliberative one. Sir, all of us should sit down and see how much of deliberation we have done. आधे घंटे में बिल पास होता है सर, सुबह बिल इंट्रोड्यूस होता है, इसको प्रोडक्टिव पार्लियामेंट नहीं कहते हैं। इट्स अ मॉकरी ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स अ मॉकरी, एंड दैट शुड हैव गॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। सर, टाइम एंड अगेन वी आर ऑल्सो टोल्ड सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट्स हैज बीन स्पोकन अबाउट इट। So it's very fine, but then suddenly we are conspicuously silent about rights, sir. We don't wish to address the question of rights. अधिकार के भैया जो बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, वो अधिकार के लिए हैं सर। मैंने संविधान की इतनी बिक्री कभी नहीं देखी थी जितनी इन दिनों हुई है। हर कोई देखना चाहता है कि इससे पहले कि ये गायब हो जाए, इसको पकड़ के रख लो, ये संविधान कैसा है। सर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। सर मेरा अभी 2 मिनट का वक्त है, मैं छोटी छोटी चीजें कितनी बातें कहूं सर। असल में ये भी हो जाता है कि कैसे कोहरेंस एस्टैब्लिश करें। रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है सर। सर हमारे आपके देखते ही देखते देखते रेलवे जैसी अनूठी चीज हिंदुस्तान को दो ही चीज सर जोड़ती थी, एक रेलवे और एक लाइटर वैन में कहूं तो पनीर, कश्मीर से कन्याकुमारी। अब सर आप उस रेलवे को इस बहाने से उस बहाने से बेच रहे हैं, बोगी बेच रहे हैं, ट्रक बेच रहे हैं। सर ये कमाल, सर बनने में बहुत वर्ष लगे हैं, बेचने में कुछ नहीं लगता है सर। पुरखों की जायदाद बेच करके मजे करने वाले लोगों के बारे में क्या कहते हैं सर, आप उसी इलाके से आते हैं। ये मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा सर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस सरकार का बहुत प्यारा, मैं शब्द कहूं या जुमला कहूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सर आप इतने दिनों से सार्वजनिक जीवन में हैं, कभी आपने सुना कि 5-5, 6-6 राज्य CA और NRC पे, NPR पे रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं? मुझे दुख है एक नागरिक के रूप में, एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट के रूप में नहीं, कि सड़कों पर कल को केंद्र राज्य की लड़ाई ना आ जाए, चाहे वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हो, या कोई कहता है कि ऐसा है, इससे ज्यादा की बात नहीं होगी। सर डिप्लोमेसी एक ट्रायल बैलून, मैं एक मिनट लूंगा, उसे लूंगा ही नहीं। डिप्लोमेसी ट्रायल बैलून हो गई है सर, न जाने कौन लोग इसमें इंगेज किए जाते हैं, गुब्बारे की तरह उड़ता है। और कमाल हो गया सर, नेपाल कह रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने को मैं तैयार हूं। सर ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कभी, ये कहां हम आ गए। सर आखिरी एक एक लाइन अपने सारे दोस्तों के लिए, CA के मद्देनजर रही मासूम रजा से, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयानें जाग रही हैं, मेरे और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं मेरा भी एक संदेश, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी रग रग में गंगा का पानी दौड़ रहा है, मेरे लहू से चुल्लू भर महादेव के मुंह पर मारो और कहो कि यह जलील तुर्कों के बदन में गढ़ा गया खून है। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद।